हेलो दोस्तों, मैं सौरभ मलिक आप सभी का टॉपिक स्टडी में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज रीजनिंग की वीडियो में हम पढ़ने वाले रीजनिंग का नया चैप्टर कोडिंग डिकोडिंग। कोडिंग डिकोडिंग के 15 अलग अलग टाइप के क्वेश्चन देखने वाले इस वीडियो में, तो वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाली है। तो इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा, अपने सभी दोस्तों के साथ में शेयर करिएगा। अगर आप चाहते हैं डेली आपको एक चैप्टर ऐसे मिलता रहे रीजनिंग का और एक मिलता रहे मैथ का, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास भी पहुँच जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को, और मैं आशा करता हूं कि वीडियो आपको पसंद आएगी और एक वीडियो को लाइक तो आप जरूर करेंगे। तो यहां पे बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे, जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं वो सारे कवर करेंगे, पर एक शर्त रहेगी कि वीडियो को बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाना है अगर आपको ये पूरा चैप्टर सीखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, यदि संकेतिक भाषा में ग्लेर को 67810 और मॉनसून को 2395339 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी संकेतिक भाषा में रेंशम को कैसे लिखा जाएगा। अब ये क्वेश्चन होता बहुत सिंपल है और कई बार एग्जाम में देखने को मिलता है, तो कैसे करना है देख लीजिए। यहाँ पे क्या किया गया है, ग्लेर को लिखा गया है 67810 के। हमने क्या किया, जी के लिए कोड यूज हुआ 6, एल के लिए 7, ए के लिए 8, आर के लिए 1, ई के लिए 0। वैसे ही मॉनसून में आपके एम के लिए 2, ओ के लिए 3, एन के लिए 9, एस के लिए 5, ओ के लिए 3 और ये 3 और 9। ठीक है, पूछा है रेंशम के लिए कोड क्या होगा। तो यहाँ पे दोस्तों आपको वो देखना है कि R के लिए रेंशम में क्या है, R A N S O M, तो R के लिए क्या कोड यूज हुआ है, 1, तो R के लिए 1 लिख दीजिए। A के लिए क्या हुआ है, 8, तो 8 लिख लीजिए। N के लिए क्या यूज हुआ है, N के लिए 9, तो 9 लिख दीजिए। S के लिए कोड यूज हुआ है 5, तो 5 लिख लीजिए। O के लिए क्या यूज हुआ है, 3, तो 3 लिख दीजिए। और M के लिए क्या यूज हुआ है, 2, तो 2 लिख दीजिए। तो ये आपका हो गया आंसर 189532। ये हो गया सबसे सिंपल क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग का। और इस टाइप के क्वेश्चन भी कई बार कन्फ्यूज कर देते हैं, क्योंकि अगर आपको ये नहीं पता होगा कि इस तरीके से भी क्वेश्चन को सोल्व किया जा सकता है, तो आप इसमें कन्फ्यूज हो सकते हैं और इसको छोड़ के भी आ सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अगर समझ में आता रहे तो प्लीज़ बताते रहिएगा साथ ही साथ। क्वेश्चन नंबर 2 भी बिल्कुल सेम है, और झट से आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कर दीजिए, क्योंकि साथ ही साथ आप भी आंसर देते रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा कि समझ में भी आ रही हैं चीज़ें। देखिए यहाँ पे बोला जा रहा है बोन के लिए कोड ये यूज किया गया, न्यूज़ के लिए ये, और शोर के लिए क्या कोड यूज होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो देख लेते हैं इसको भी जल्दी से, आप वीडियो को पॉज करके देख लिया करें कि आंसर क्या रहेगा। देखिए बी के लिए कोड ये हुआ है, ओ के लिए ये है, आर के लिए ये है। ठीक है, बिल्कुल वैसे ही जैसे हमने ऊपर किया था। तो यहाँ पे इसमें देख लेते हैं कि अब आंसर क्या हो सकता है। एस किस में है, एस है यहाँ पे न्यूज़ में, न्यूज़ में लास्ट, यानी कि हैज से स्टार्ट होने वाला है कोड, तो हैज से स्टार्ट होने वाला सिर्फ ऑप्शन बी दिख रहा है, ना ये है ना ये है ना ये है, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। पूरा क्वेश्चन करने की भी ज़रूरत नहीं है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं अलग टाइप पे। क्वेश्चन नंबर 3, ये भी बड़ा फेमस क्वेश्चन है और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे बोला गया है यदि एक कूट भाषा में जर्मनी को 7518131425 लिखा जाता है, तो फ्रेंच को कैसे लिखा जाएगा। थोड़ा सा ध्यान दीजिए, एक चीज़ इससे पहले मैं बता देता हूँ, अगर आपको अल्फ़ाबेट के नंबर्स नहीं याद है, यानी कि ए पहले पे आता है, बी दूसरे पे आता है, सी तीसरे पे आता है, डी चौथे पे आता है, अगर आपको ये याद नहीं है तो आप इस टाइप के क्वेश्चन को करने में बड़ा टाइम लगा सकते हैं और शायद छोड़ के भी आ सकते हैं। तो आपको सबसे पहले अल्फ़ाबेट के अपोजिट और आपके अल्फ़ाबेट के नंबर याद होने चाहिए। ए से एम तक लिखिए, एम के नीचे एन और एन से जेड तक लिखिए। इसको दिन में को 2 बार लिखिए। अगर आप इसे लगातार लिखते रहेंगे दो दो बार, एक हफ्ते में आपको ये पूरे रट जाएंगे। कैसे लिखना है, ए बी सी डी ई, इस तरीके से एम तक, फिर एम से एन से जेड तक, इस तरीके से लिखिएगा। इससे होगा क्या कि अपोजिट वर्ड भी आपको याद हो जाएंगे। ए का अपोजिट ये हो जाएगा, बी का अपोजिट वाई हो जाएगा, इस तरीके से। ठीक है, एम का अपोजिट एन, और इनके ऊपर अगर आप नंबर डाल लेंगे तो नंबर भी याद हो जाएंगे, 1 2 3 4 5। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। अगर आपको ये याद नहीं है ना, तो इसको इतनी प्रैक्टिस कर लीजिए कि जब भी आप एग्ज़ाम देने जाएँ तो एक रफ पेपर जो आपको मिलता है उसमें जाते 30 सेकंड में आप इसको चिपका दें। इसको चिपकाने का फ़ायदा ये रहेगा कि जब आप इसको लिख लेंगे तो इस टाइप के क्वेश्चन आप चुटकियों में कर लेंगे और आंसर 100% सही आएगा। ठीक है, तो ये भी ध्यान रखिएगा। चलिए अब आते हैं क्वेश्चन पे। तो जर्मनी में क्या यूज हुआ है, जी आपका 7वें नंबर पर आता है, 7 लिखा है, ई आपका 5वें पर आता है, 5 लिखा है, आर आपका 18 लिखा है, एम आपका आता है 13 पे 13 लिखा है, ए आपका पहले पे आता है ए लिखा है, एन आपका 14 पे आता है 14 लिखा है, वाई आपका 25 पे आता है 25 लिखा है। वैसे ही आपको फ्रेंच में भी करना है। तो एफ आपका आता है 6वें नंबर पे, तो 6 आपको लिख देना है, आर आता है 18 पे 18 लिख देना है, ए आपका पहले पे आता है, सभी को पता है ए पहले पे आ जाएगा, एन आपका आता है 14 पे 14 लिख दिया है, सी आपका आता है
तीसरे नंबर पे ई आता है आपका पांचवें नंबर पे। तो कोड देख लीजिए क्या बन गया, ये आपको अगर पता होता तो सेकंडों में कर लेते, अगर नहीं पता होता तो टाइम बहुत लगा सकते थे। 6 18 1 14 3 5 आपका राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा सही उत्तर। और ये आप ना पहले एक स्टेप में भी कर सकते थे, 6 18 आपने देख लिया था, 6 18 किसी भी दूसरे और ऑप्शन में नहीं है, तो आपको पूरा करने की जरूरत नहीं थी, ऑप्शन सी को लगा के आगे बढ़ जाना था। ठीक है, समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो लाइक कर दीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, साथ ही साथ ट्राई भी करते हुए चलिएगा। यदि हेल्थ को इस कोड में लिखा जाता है GSKZDG के रूप में लिखा जाता है, तो उसी कूट में नॉर्थ को कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है जल्दी से कमेंट बॉक्स में। तो यहाँ पे आते हैं अभी, कैसे करना है ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब इसको बोलते हैं क्रॉस कोडिंग। क्रॉस कोडिंग का मतलब है जो पहले लिखा था उसको लास्ट में लिख दिया और जो लास्ट में लिखा था उसको पहले लिख दिया, इसी तरीके से क्रॉसिंग चलती रही और क्रॉस कोडिंग आपकी बन गई। और यहाँ पर भी ऐसे भी होता है कि जैसे एच था यहाँ पर एच लिख देते, ठीक है, इधर भी एच लिख देते, यहाँ पे ई लिख देते, इस तरीके से भी कोडिंग होती है। और इसमें प्लस माइनस वाली भी होती है, जैसे इसमें माइनस चला है, एच में से -1 कर दिया तो जी आ गया, एच में से इधर से भी -1 तो जी आ गया, ई में से 1 माइनस कर देंगे तो आपका 4 हो जाएगा, 5वें नंबर पे आता है, ये डी आ जाएगा। वैसे ही आपको यहाँ पर टी में से भी 1 माइनस करेंगे, एस ए में से 1 माइनस करेंगे तो जेड आपका बन जाएगा, ठीक है, एल में से -1 करेंगे तो के बन जाएगा। वैसे ही आपको नॉर्थ को बनाना है, तो नॉर्थ में आपको क्या करना है, देखिए एन में से -1 तो एम, एच में से -1 तो जी, ओ में से -1 तो आपका हो जाएगा एन, टी में से -1 तो एस। अब जो बीच का आर बचा है इसको किसी के साथ में हम मतलब नहीं क्रॉस कर सकते हैं, तो इसको वैसे का वैसे लिख देंगे, इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कन्फ्यूज नहीं होना है अगर ऐसा क्वेश्चन बनता है तो। आर में से -1 तो क्यू, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। ठीक है भाई, आशा करता हूँ कि समझ में आ रहे होंगे सारे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बहुत अच्छी कोडिंग इसमें भी की गई है। यहाँ पे लिखा गया है यदि गोल्ड को होम के रूप में कूटबुद्ध किया जाता है, यानी कि कोडिंग किया जाता है, तो कोड को डोज के रूप में कूटबुद्ध किया जाता है, तो सन्स को किस प्रकार किया जाएगा, ये आपको बताना है। देखिए गोल्ड को आपको होम बन रहा है, यहाँ पे क्या चल रहा है मैं आपको बिल्कुल सिंपल तरीके से बता देता हूँ। +1 कर देंगे जी आ जाएगा, ओ को वैसे का वैसे लिख दिया, फिर +1 कर देंगे एम आ जाएगा, फिर +1 कर देंगे ई आ जाएगा। ऐसे ही कोड में किया गया है, सी में +1 कर देंगे तो डी हो जाएगा, ओ को वैसे का वैसे लिख दिया गया है, आर में +1 तो एस और डी में +1 तो ई। ये मैं आपको यहाँ पे भी दिखा देता हूँ अच्छे तरीके से, और इसकी PDF भी आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी के टेलीग्राम चैनल से। आप डायरेक्ट टेलीग्राम पर जाइए, सर्च करिए टॉपिक स्टडी और वहाँ से PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं, आंसर सभी के यहाँ पे दे रखे हैं मैंने इसमें। तो यहाँ पे देखिए गोल्ड में हमने जी में +1 किया तो H आ गया, O को वैसे का वैसे ही यानी कि 0 प्लस किया वैसे का वैसे लिख दिया, L को भी वैसे का वैसे मतलब +1 करके लिख दिया और इसमें भी +1, वैसे ही आपने इसको किया मैंने बता दिया। वैसे ही आप सन्स में करेंगे तो सन में आपका एस में आप +1 करेंगे, ओ को वैसा का वैसे लिख देंगे, एन में फिर +1 करेंगे तो ओ बन जाएगा, एस में +1 करेंगे तो टी बन जाएगा, तो TOOT ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके के भी कोडिंग आपकी होती है। अब यहाँ पे ये जान लीजिए कि कोडिंग इसमें हजारों तरीके की बन सकती है, इसी में ही आपका +2 हो सकता है, इसी में +3 हो सकता है, +4 हो सकता है, यहाँ पे आपका ये +0 शुरू में भी हो सकता है, ये +0 लास्ट में भी हो सकता है। ये कोडिंग का मतलब कोडिंग एक हम बोल सकते हैं कि हजारों करोड़ों टाइप की बन सकती है, बट आपको कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए कि इस तरीके से कोडिंग हो सकती है। इसलिए मैं बोलता हूँ कि हर एक रीजनिंग की वीडियो देख लिया करें, हर एक रीजनिंग की वीडियो में मैं कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग लेके आता हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 सिंपल है, बट यहां पे एक चीज मैं आपको सिखा देता हूं कि इस तरीके के भी क्वेश्चन बनते हैं। इसमें बोला है रोड को ये लिखा जाता है URDG, ठीक है, स्वान को कैसे लिखा जाएगा। तो यहां पे अगर मैं बात करूं +3 चल रहा है, यानी कि R में +3 क्या U, O में +3 क्या R, A में +3 D और D में +3 तो G। उसी तरीके से आप स्वान में भी +3 कर देंगे तो बन जाएगा। यहाँ पे बात बताने की ये है कि इसमें +1 से लेकर के +100 तक मतलब किसी के भी बीच में नंबर आप प्लस किया जा सकता है, वो आप पे डिपेंड करता है कि कितना आप नंबर प्लस कर सकते हैं। वैसे 100 मैंने ज़्यादा बोल दिया, 26 तक ही प्लस हो सकता है, बट 100 भी हो सकता है। 100 में क्या होगा कि वो बहुत हाई लेवल की रीजनिंग हो जाती है, वो आपकी मतलब बैंकिंग में ही ज़्यादातर पूछी जाती है, आपके एग्जाम में नहीं आएगी, ना किसी रेलवे के एग्जाम में आएगी, ना किसी पुलिस के एग्जाम में आएगी, ठीक है। तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, 26 तक ही ऐड हो सकते हैं आपके एग्जाम में। अगर 26 से ऊपर जाते हैं वो रेलवे की रीजनिंग बन जाती है, सॉरी बैंकिंग की रीजनिंग बन जाती है, वो हाई लेवल हो जाता है। तो अगर मैं इसकी बात करूँ, इसमें +3 करेंगे तो वी,
डब्ल्यू में प्लस थ्री करेंगे तो जेड, ठीक है, ए में प्लस थ्री करेंगे तो डी, एन में प्लस थ्री करेंगे तो क्यू। या देख लीजिए कौन सा, वी जेड डी क्यू, यानी कि ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए जल्दी से चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे। देखिए सातवें क्वेश्चन में बोला जा रहा है, मैटर को अगर इस तरीके से कूट किया गया है, कोडिंग किया गया है टी ए एम आर ई टी, बियॉन्ड को क्या मतलब कोड किया जाएगा। अब यहाँ पे एक चीज़ देख लीजिए, सारे के सारे वर्ड जो यूज हुए हैं वो जो मैटर में पहले से लिखे हुए हैं वही कोड मतलब उन्हीं नंबर्स को उल्टा सीधा कर दिया गया है। तो जब भी इस तरीके से क्वेश्चन दिया जाता है, यानी कि जो आपका अल्फ़ाबेट होता है, जो सॉरी वर्ड होता है उसके जो अल्फ़ाबेट्स होते हैं उनको ही उल्टा सीधा करके लिख करके एक कोड बना दिया जाता है, तो उसमें करना कैसे होता है कि आप इजीली कर लें, यहाँ पे समझिए। जैसे मैटर है, मैटर को आपने कोड दे दिया 1 2 3 4 5 6। अब ये देखिए कौन से नंबर पे कौन सा डाल दिया गया है। सबसे पहले पे आपने टी को 3 पे लिख दिया, ठीक है, फिर ए को लिख दिया 2 पे, फिर एम को लिख दिया 1 पे, 6 को लिख दिया आर, ठीक है, ई को 5 पे, और यहाँ पे मतलब इस तरीके से जैसे यहाँ पे किया गया है वैसे ही आपने इनके ऊपर कोड डाल दिए। वैसे ही आपको करना है बियॉन्ड को, बियॉन्ड में आपको क्या करना है, 1 2 3 4 5 6 आपने कोड दे दिया। अब आपको सबसे पहले देखना है 3 नंबर पे कौन सा है, 3 नंबर पे वाई है तो वाई, क्योंकि यहाँ पे कोड जिस तरीके से किया गया है वैसे ही आपको लिखना है। दूसरे नंबर पे आपको ई दिया गया है तो ई लिख दीजिए, ठीक है, यहाँ पे दूसरे नंबर पे। फिर पहला नंबर आना है, पहले नंबर पे आपका बी है तो बी लिख दीजिए। अब की बार छठा नंबर आना है, छठे नंबर पे आपका डी है तो डी लिख दीजिए। अब की बार पाँचवा नंबर आना है, पाँचवें पे एन है तो एन लिख दीजिए। लास्ट में फोर नंबर आना है, फोर पे आपका ओ है तो ओ लिख दीजिए। इस तरीके से आपका पूरा कोड बन जाएगा ये बियॉन्ड का। तो ये भी एक टाइप है आपका कोडिंग का जो कि एग्जाम में पूछ लिया जाता है। आशा करता हूँ कि समझ में आया होगा। जल्दी से क्वेश्चन नंबर 8 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, इसलिए बोलता हूँ कि पूरी वीडियो को देखिएगा बिना स्किप किए, तो आपको कुछ ना कुछ बहुत अच्छा अच्छा सीखने को मिलेगा। यहाँ पे एक क्वेश्चन है बहुत अच्छा, ये बहुत अच्छी तरीके की कोडिंग होती है, और आजकल ये क्वेश्चन रेलवे में भी पुलिस में भी हर जगह पूछे जाने लगे हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना होता है सबसे आसान तरीका मैं आपको बताने वाला हूँ। यहाँ पे लिखा है वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड को लिखा जा रहा है NUTARGI। इस वाली लाइन को इस तरीके से कोड किया गया है। फिर दूसरी लाइन है रिस्क इज वेरी लो, रिस्क इज वेरी लो को इस तरीके से कोड किया गया है। इज दैट ऑल्सो एसोसिएटेड को इस तरीके से कोड किया गया है। इनहेरेंट रिस्क ऑल्सो डैमेजिंग को इस तरीके से कोड किया गया है। तो जो ये आपके लिखे हैं सेंटेंस छोटे छोटे, इनको इस तरीके से कोड किया गया है, इसको करना कैसे है, अभी ये क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे इससे रिलेटेड। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले जो ये लिखा गया है ना सब कुछ इसको लिख लीजिए, ठीक है। इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हम आ गए हैं इस तरीके से, देखिए सब कुछ आंसर आपको मिल जाएंगे, बस एक बार थोड़ा सा समझ लीजिए, समझने वाली चीज़ इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे वेरी लार्ज रिस्क एसोसिएटेड को ये लिखा गया था, मैंने वैसे ही लिख लिया। रिस्क इज वेरी लो को ऐसे लिखा गया था वैसे लिख लिया, ये भी वैसे ही था वैसे लिख लिया, वैसे ही था वैसे लिख लिया जैसे क्वेश्चन में दिया गया था। अब आपको सबसे पहला वर्ड देखना है, जो भी सबसे पहला लिखा होगा यहाँ पे उसको देखना है। यहाँ पे सबसे पहला लिखा है वेरी। अब वेरी को देखिए, इस चारों लाइन में किसी और भी लाइन में वेरी है क्या? अब पहले में वेरी है, दूसरे में वेरी है, और किसी भी लाइन में वेरी नहीं है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों का कोड एक कॉमन कोड होगा इन दोनों लाइनों में, इन दोनों लाइन में कॉमन कोड होगा वेरी का। अब इन दोनों में ढूंढिए कि कौन सा कोड कॉमन है, यानी कि इसमें देखें तो जी आई इसमें भी है, जी आई इसमें भी है। इसका मतलब हमने एक अलग ही तरीके से इसको गोल कर दिया, इधर भी अलग ही तरीके से कर दिया इसको गोल, ताकि हमें पता चल जाए कि वेरी का कोड जी आई है, ठीक है। हमने नेक्स्ट देखा लार्ज, लार्ज इस लाइन में है, फिर किसी दूसरी लाइन में लार्ज हमें नहीं दिख रहा है तो लार्ज को छोड़ दीजिए, अगर लार्ज नहीं दिख रहा है तो छोड़ दीजिए वहीं पे। रिस्क, रिस्क इस लाइन में है, रिस्क इस लाइन में है, और रिस्क इस लाइन में है। अब आपको एक ऐसा कोड देखना है जो इन तीनों लाइन में कॉमन है, इन तीनों लाइन में एन यू, ठीक है, एन यू और एन यू कॉमन है, यानी कि रिस्क के लिए एन यू कोड यूज किया गया है। दोस्तों अगर समझ में आ रहा होगा तो लाइक का बटन दबा दीजिएगा, मैं समझ जाऊंगा कि मैक्सिमम बच्चे समझ गए हैं इस चीज़ को, ठीक है। तो रिस्क के लिए एन यू का कोड यूज हो किया गया है। एसोसिएटेड, एसोसिएटेड के लिए आपको क्या देखना है कि इस लाइन में है और इस लाइन में है, तो आपको देखना है कि पहली लाइन में और तीसरी लाइन में कुछ भी कोड कॉमन है तो वो एसोसिएटेड का होगा और किसी का नहीं होगा। तो यहाँ पे टी ए कॉमन है तो हमने इसको भी अलग ही तरीके से डिनोट कर दिया, और यहाँ पे भी एसोसिएटेड को अलग ही तरीके से डिनोट करके ये कर दिया, यानी कि एसोसिएटेड का कोड आपका टी ए है। अब आपको पता चल गया इस पूरी लाइन में तीन का कोड, ठीक है, तो चौथे लार्ज का तो आपका ऑटोमेटिक मिल जाएगा ना, आर ओ हो जाएगा कोड। तो इस लाइन के पूरे कोड हमें मिल गए,
इस लाइन में हमें मिल गया रिस्क का, वेरी का। अब इज की बात आती है, इज यहाँ पे आपका, इज यहाँ पे है, किसी और तीसरी लाइन में तो नहीं है। तो इज के लिए इन दोनों लाइन में क्या चीज़ कॉमन है देख लीजिए, एम आई, तो इज के लिए एम आई कोड यूज हुआ है। उसी तरीके से आपका वेरी का हो गया, रिस्क का हो गया, इज का हो गया। अब नेक्स्ट वाली लाइन में लो का देखिए, लो किसी भी और दूसरी लाइन में, एल ओ डब्ल्यू लो, ये किसी भी दूसरी लाइन में नहीं है, तो ये एस ई जो बचा है ये लो का ही कोड बच गया, यानी कि इन दोनों लाइन के कोड हमें पता चल गए। पूरा क्वेश्चन इसलिए करके बता रहा हूँ, अदरवाइज क्वेश्चन में एक ही पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि रिस्क का कोड क्या होगा, तो रिस्क आपको पता चल चुका है कि एन यू होगा, आप बता के नेक्स्ट क्वेश्चन पर पहुँच सकते हैं। बट यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लगाते हुए इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि पूरा क्वेश्चन करना पड़े तो कैसे करेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक हो चुका है, अब मुझे इज का भी पता चल चुका है, एसोसिएटेड का भी, ऑल्सो देखिए इसमें है और ऑल्सो इसमें है, तो आपने इस ट्रेंगल से इसको डिनोट कर दिया, ट्रेंगल से इसको कवर कर दिया। अब देखिए इन दोनों में कॉमन क्या है, एफ यू, एफ यू इसमें भी है, एफ यू इसमें भी है, यानी कि ऑल्सो के लिए एफ यू कोड यूज हो जाएगा। फिर यहाँ पर बात आती है नेक्स्ट इसकी, दैट की, दैट के लिए एपो कोड बन जाएगा, क्योंकि और कहीं पे भी दैट नहीं है, तो एपो कोड इसमें हो जाएगा। अब इसमें आपको सब कुछ पता चल चुका है, अब यहाँ पे हम देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है रिस्क ऑल्सो लार्ज का कोड क्या है, रिस्क का, ऑल्सो का और लार्ज का, तो देख लीजिए रिस्क का है आपका एन यू, ऑल्सो का है आपका एफ यू, और रिस्क ऑल्सो और लार्ज था ना, लार्ज, हाँ सॉरी देखते हैं, लार्ज था, आर ओ था, हाँ लार्ज, तो एन यू, और ये आपका हो जाएगा, तो आपका ये राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एन यू एफ यू आर ओ, ठीक है। एन यू किसके लिए था, रिस्क के लिए था, ऑल्सो के लिए क्या था, एफ यू था, और लार्ज के लिए सबसे पहले लाइन में ओ था, तो आपका राइट आंसर हो गया ऑप्शन डी। दोस्तों समझ में आ रहा है ना, बिल्कुल कोशिश है मेरी कि एक एक वर्ड आपको समझा दिया जाए। वेरी के लिए कोड क्या होगा, अब वेरी के लिए कोड बताइए कितना सिंपल सा लगने लगा होगा आपको क्वेश्चन की, कितना आसान है, वेरी के लिए कोड जी आई हो जाएगा, तो जी आई लगा दीजिए फटाफट, तो राइट आंसर आपका ऑप्शन डी हो जाएगा। डी आई किसका कोड है, यहाँ पे पूछा डी आई किसका कोड है, तो डी आई देखते हैं किसका कोड है भाई, डी आई कहाँ पे है, ढूंढिए जल्दी से इसको डी आई को। दोस्तों डी आई और वाई यू यहाँ पे दोनों जुड़ के लिखे हैं, तो इसलिए थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो गया था, तो ये डी आई और वाई यू दो के कोड है। अब यहाँ पे अगर बात की जाए, देखिए इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बनता है, यहाँ पे भी डी आई और वाई यू दो अलग अलग कोड हैं, और ये या तो इनहेरियंट के या डैमेजिंग के हो सकते हैं, तो इन दोनों के कोड को हम डिफाइन नहीं कर पाए क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया था, तो इसमें एक अलग ही ऑप्शन दे रखा होगा। यहाँ पे देखिए जैसे डी आई कोड या तो डैमेजिंग का हो सकता है या इनहेरियंट का हो सकता है, तो ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे क्लियर नहीं किया गया पूरे क्वेश्चन में कि इसका डी आई का कोड क्या होगा। पूरा क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, समझ में आपको आ गया होगा, अगर समझ में आ गया तो लाइक का बटन दबाइएगा, और समझ में नहीं आया किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट बॉक्स में जल्दी कमेंट कर दीजिए कि सर ये वाली चीज़ समझ में नहीं आई, नेक्स्ट फिर वीडियो में आपको कवर करा दी जाएगी। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 है। देखिए अब एंड आ चुका है वीडियो का, तो प्लीज़ देखते रहिए, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ तक मेहनत करके वीडियो बना रहा हूँ तो आपको भी देखनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 10, एक निश्चित कूट में म्युनिसिपैलिटी को ये कोड किया गया है, ठीक है, फिर यहाँ पे बोला गया जुडिशियल को कैसे कोड किया जाएगा, तो चलिए देख लेते हैं किस तरीके से किया गया है, आप भी साथ ही साथ ट्राई कर सकते हैं। देखिए म्युनिसिपैलिटी को हमने क्या किया, इसको तीन भाग में डिवाइड कर लिया, चार चार के पेयर बना के, इसको अलग अलग से चार चार का पेयर बना के तीन भाग में डिवाइड कर लिया, एम यू एन आई को, सी आई पी आई पी ए को, और एल आई टी वाई को। अगर आप इसको ऐसे मतलब डिवाइड भी नहीं करते तो कोई दिक्कत नहीं, तब भी आप इसका आंसर निकाल सकते थे, बट उसमें थोड़ा समझाने में प्रॉब्लम होती, तो मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगा कि समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या किया गया है, इसमें हमने तीन भाग में डिवाइड करने के बाद में जो पहले दो वर्ड हैं उनको इस तरीके से मतलब चौथे नंबर पर लिख दिया गया है, सॉरी मतलब इन दो को छोड़ के दूसरे नंबर पे, तीसरे और चौथे नंबर पे लिख दिया गया है, और जो इससे नेक्स्ट थे दो वर्ड उनको इस तरीके से क्रॉस करके लिख दिया गया है क्रॉस कोडिंग में। तो इसमें आपको थोड़ा सा समझना ये पड़ेगा, क्योंकि इनका कुछ नाम तो नहीं दे सकता मैं कि ये इस तरीके से लिख दिया, इसको ए डी और बी बोल देंगे। यहाँ पर आपको देखना पड़ेगा कि कोडिंग में एक तो आपका चलता है कुछ ना कुछ कोड, एक चलता है आपका देखने का नज़रिया कि आप कितना देखने के बाद कैच कर लेते हैं चीज़ों को। जैसे एन को यहाँ पे लिखा, आई को यहाँ पे लिखा, तो आप समझ गए ना कि एन को कहाँ लिखना है, आई को कहाँ लिखना है नेक्स्ट टाइम, और इन दोनों को क्या किस तरीके से लिखना है। सी आई लिखा है तो सी आई को वैसे का वैसे लिख दिया गया है, सी ए और आई, और ए को पहले पे ले आए, पी को दूसरे पे ले आए क्रॉस कोडिंग करके। एल आई को वैसे का वैसे लिख दिया गया है, एल और आई,
और टी को यहाँ पे लिख दिया और वाई को पहले पे लिख दिया वाई और टी करके। यानी कि कोडिंग आप करनी सीख गए कि अगर इस तरीके की कोडिंग आती है तो कैसे करना है। अब जुडिशियल को आपको कैसे लिखना है, देखिए थोड़ा सा मिसप्रिंट है, ए एल कर लीजिएगा, जुडिशियल ए एल, ठीक है। तो यहाँ पे ये गलत हो गया भाई, ए और एल यहाँ पे हो जाएगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे जे और यू का आपको कोड करना है, जे और यू इस तरीके से, डी को यहाँ पे कर देंगे, आई को पहले पे कर देंगे, वैसे सी आई को आप लिख देंगे वैसा का वैसा ही, और ए को यहाँ दूसरे पे लिख देंगे, एल को यहाँ पे लिख देंगे। तो राइट आंसर क्या बन जाएगा आपका, ये वाला राइट आंसर हो जाएगा, आई डी जे यू एल ए सी आई। आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। इतना अच्छा क्वेश्चन है कि इसलिए बोलता हूँ कि वीडियो को जो एंड तक देखता है उसे कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा मिलता है। तो क्वेश्चन नंबर 11 में कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा ही है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करके देखिए। अगर आपने कर दिया तो मैं मान जाऊंगा कि हाँ आपकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी चल रही है। इसमें बोला गया है कि एफ ई डी को अगर मल्टीप्लाई 3 से कर दिया जाता है तो ये कोड निकल के आता है, बी सी डी को मल्टीप्लाई 4 से कर दिया जाता है तो ये कोड निकल के आता है, और बी ई एफ को 1 से मल्टीप्लाई कर देते तो क्या कोड आएगा, ये आपको बताना है भाई। क्वेश्चन एक बार ट्राई करके जरूर देख लीजिएगा, वीडियो को रोकिए यहीं पे और देखिए ट्राई करके। और मैं बता देता हूँ आपको, अगर आपने ट्राई कर लिया हो तो मैं यहाँ पे बता देता हूँ। देखिए यहाँ पे सबसे पहले तो जो नंबर, जो अल्फाबेट जिस नंबर पे आता है वो लिखा, ठीक है। जैसे एफ आपका 6 पे आता है, ई आपका 5 पे आता है, डी 4 पे आता है, उसकी मल्टीप्लाई 3 में अभी नहीं करेंगे, -1 करके करेंगे। जैसे आपका ये कोड आया 654 इनके अल्फाबेट के नंबर्स का, इसमें से सभी में से एक एक माइनस करेंगे, 6 में से एक माइनस 5, 5 में से एक माइनस 4, 4 में से एक माइनस 3, और इन सभी की मल्टीप्लाई फिर 3 में कर देंगे, 1629 आपका राइट आंसर हो जाएगा भाई। इन सभी की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो 1629 राइट आंसर आ जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट ऐसे ही करना है, बी सी डी, बी आपका दूसरे पे आता है, तीसरे पे आपका सी आता है, चौथे पे आपका डी आता है, इसमें से सभी में से 1 1 माइनस करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2 में से 3 में से जाके 1 2 बचेगा, 4 में से 1 जाके 3 बचेगा, और मल्टीप्लाई कर देंगे 4 में तो 492 आपका हो जाएगा, ठीक है भाई। तो यहाँ पे क्या हो गया, 492 हो जाएगा। अब नेक्स्ट आपको बिल्कुल वैसे ही करना है, बी ई एफ मल्टीप्लाई 1 का कोड कैसे बनेगा। बी आपका दूसरे पे आता है, ई आपका 5वें पे आता है, एफ आपका 6ठे पे आता है, मल्टीप्लाई कर दीजिए 1 से तो 256 यहाँ पे हो जाए, 256 जो कोड है इसमें से 1 1 माइनस कर दीजिए, 1 आएगा, 5 में से 1 माइनस 4, 4 6 में से माइनस 1 तो 5, तो यहाँ पे 145 की मल्टीप्लाई 1 में कर दीजिए तो 145 आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो यही आपका सही आंसर हो जाएगा, समझ गए आप इसको कैसे करना था क्वेश्चन, तो बी इज़ द राइट आंसर। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन था, आशा करता हूँ कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बहुत ही सिंपल सा है, ट्राई कर लीजिए, आंसर जो भी आएगा कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। एक खास कोड भाषा में ड्रिंक को ये कोड दिया जाता है JMHQC, तो बोल्ट्स को ये दिया जाता है RSNKS, हनी को क्या दिया जाएगा, तो हनी को कैसे कोड किया जाएगा इनका पहले देख लीजिए, ड्रिंक को कैसे कोड किया गया है। यानी कि जो पहला था उसको लास्ट बना दिया गया माइनस वन करके, जो सेकंड था उसको माइनस वन करके सेकंड लास्ट बना दिया गया, जो थर्ड था उसको थर्ड लास्ट थर्ड बना दिया गया माइनस वन करके, जो फोर्थ था उसको लास्ट फोर्थ बना दिया गया माइनस वन करके, और जो लास्ट था उसको फर्स्ट बना दिया गया है माइनस वन करके। वैसे ही आपका बोल्ट्स में क्या गया है, तो इसमें भी हम माइनस वन करेंगे और लास्ट वाले को फर्स्ट वाले को लास्ट, सेकेंड को सेकेंड लास्ट, थर्ड को थर्ड लास्ट, वैसे ही आपको ये कर देने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे आई हनी की बारी, तो हनी में भी आपको वैसे ही करना है, लास्ट को माइनस वन करके जी, ओ को माइनस करके एन, एन को माइनस वन करके एम, ई को माइनस वन करके डी, और वाई को माइनस वन करके एक्स। तो राइट आंसर क्या हो गया, एक्स डी एम एन जी। तो आशा करता हूँ कि ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, अब क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन नंबर 13 और 14 और 15 और रह गए हैं, बस थोड़ा सा पेशेंस के साथ में और वीडियो को देख लीजिए। 13 है क्रॉस कोडिंग का क्वेश्चन, यदि किसी संकेतिक भाषा में मंकी को ये कोड दिया जाता है वाई ई के एन ओ एम, और सर्किल को उसी भाषा में कैसे लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे देखिए मंकी के लिए कोड क्या यूज हुआ था, कि इस तरीके से एम लास्ट जो मतलब फर्स्ट था उसको लास्ट बना दिया गया, वाई को लास्ट था उसको फर्स्ट बना दिया। ये क्रॉस कोडिंग का एक और क्वेश्चन मैं यहाँ पे ले लिया था, इसको इस तरीके से आपको बनाना था इसको पूरा क्रॉस करके, ठीक है। मंकी के लिए इस तरीके से बनाया, तो उसी तरीके से आपका सर्कल का बना, ठीक है। तो सर्कल में आपका क्या होगा, फर्स्ट वाला लास्ट और लास्ट वाला आपका फर्स्ट, ऐसे ही आई में कर देंगे, ऐसे ही एल में कर देंगे, आर में भी कर देंगे, सी में भी कर देंगे। क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, तो कोई भी हार्ड नहीं क्वेश्चन था ये, ठीक है। तो आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। ऑप्शन कौन सा बन जाएगा, ई एल सी आर आई सी, ई एल सी आर
आई सी यानी कि ई एल सी, ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुत ही अच्छा एडवांस लेवल की रीजनिंग का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो मतलब ये अच्छे क्वेश्चंस हैं जो मैं भी आपको करा रहा हूँ। 14 का राइट आंसर बताइए। जुडिशियल को यहाँ पे लिखा गया है LUJICID। ठीक है, तो यहाँ पे ग्लोरियस को कैसे लिखा जाएगा ये आपको बताना है। तो अगर आप ट्राई करना चाहते हैं तो वीडियो को रोकिए, ट्राई करिए, बाकी मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे करना है। देखिए यहाँ पे किस तरीके से कोडिंग की गई है, ये बहुत ही अलग तरीके की कोडिंग हो जाएगी। जैसे यहाँ पे हम बोल सकते हैं दोहरी कोडिंग की गई है। पहले जो कोड हो गया वो एक फर्स्ट स्टेप है कोडिंग करने का, फिर उसके बाद दूसरी भी कोडिंग होगी। जैसे जुडिशियल लिखा है उसको किस तरीके से कोड किया गया, हमने इस तरीके से बना लिया। ठीक है, डी को क्रॉस करके इस तरीके से, कोई भी चेंज नहीं किया गया, बस क्रॉस करके उनको इस तरीके से लिख लिया और उनको नंबर दे दिया 1, 2, 3, 4। ये नंबर इसलिए दिया क्योंकि अभी जो ये कोडिंग आई है ये आंसर नहीं है, अभी इनके भी ये नंबर चेंज होने वाले हैं। कैसे? पहले पे आपका चौथा आएगा, क्योंकि आप अगर आंसर में देखेंगे तो आपकी कोडिंग है LUJICID, इस तरीके से कोडिंग है आपकी ये वाली। ठीक है, तो अब आपको इसको मैनेज करना पड़ेगा कि ये लिखा कैसे गया है। ये वाली कोडिंग आपकी क्वेश्चन में दी गई है, तो LA सबसे पहले, LA तो लास्ट में लिखा है तो 4 नंबर पहले पे आएगा। फिर UG लिखा है, UG कौन से पे? पहले पे, अब की बार ये पहले आ जाएगा। IC आपका तीसरे पे है तो तीसरा लिख देंगे। ID आपका दूसरे पे है तो दूसरा लिख देंगे। तो ये इस तरीके से कोड किया गया है, समझ गए आप इस चीज़ों को? ठीक है, तो वैसे ही आपको करना है ग्लोरियस के लिए। तो ग्लोरियस में आपने बिल्कुल सिंपल तरीके से कोड किया क्रॉस करके, RO, ठीक है, OI और ये आपका SU, इस तरीके से आपने कर दिया। इनको इनको नंबर भी दे दिया 1, 2, 3, 4। आपने देखा ऊपर वाले में सबसे पहले नंबर पे चौथा नंबर का कोड आया, चौथे नंबर का कोड SU है तो SU आपने लिख दिया। फिर उसके बाद आपका पहले नंबर का कोड आया, पहले नंबर का LG है तो आपने LG भी लिख दिया। फिर उसके बाद आपका तीसरा नंबर का कोड आया OI, तो आपने OI भी लिख दिया। फिर आपका दूसरे नंबर का कोड आया RO, तो आपने RO भी लिख दिया। तो इस प्रकार आपका जो राइट आंसर बना ये बन गया SU LG OI RO। ठीक है, तो ये कोड बहुत अच्छे लेवल का था। कई बार ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, नॉर्मली क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है इस टाइप का, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। और ये क्वेश्चंस मतलब RPF में तो नहीं आएगा, कॉन्स्टेबल SI में शायद आ जाए। तो चलिए फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। क्वेश्चन नंबर 15 अगर बोलोगे तो मैं करा देता हूँ, बाकी क्वेश्चन इस टाइप का मैं करा चुका हूँ। तो एक बार इसे अगर आप खुद से ट्राई करके आंसर कमेंट बॉक्स में कर देंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। किसी संकेतिक भाषा में 743 को मैंगो आर गुड लिखा जाता है, 657 को एट गुड फूड लिखा जाता है, 934 को का अर्थ मैंगो आर रिप लिखा जाता है। तो इस भाषा में रिप को कोड का कोड क्या होगा ये आपको बताना है। तो सबसे पहले मैंने क्या बताया था, जिस तरीके से आपको दिया गया वैसे लिख लीजिए। 743 को ये लिखा जा रहा है, 657 को ये लिखा जा रहा है, 934 को ये लिखा जा रहा है, तो आपने ये लिख लिया। उसके बाद आपको किस तरीके से करना है वो मैंने आपको बता दिया, आंसर भी है तो एक बार ट्राई कर लीजिएगा। ठीक है, और दोस्तों इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं टॉपिक स्टडी का टेलीग्राम चैनल से, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, या फिर आप डायरेक्ट सर्च कर लीजिएगा टेलीग्राम पर। कल मैंने एक वीडियो अपलोड की थी, बहुत सारी वीडियो मैं रीजनिंग की अपलोड कर रहा हूँ, सीरीज वाली की थी कल, उससे पहले डायरेक्शन वाली, मैथ का परसेंटेज चैप्टर अपलोड कर दिया है। लिंक सभी के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देता जाऊंगा। आपको ये सारे चैप्टर अगर आपने पढ़ लिए तो कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं, यूपी पुलिस का या फिर RPF SI कॉन्स्टेबल का, जो भी एग्जाम। अब यार आप ना एक काम तो कर देते हैं, कमेंट में बोल देते हैं कि सर लंबी वीडियो बनाइए, सर क्वेश्चन ज़्यादा लेकर आइए। मैं लंबी वीडियो भी बना देता हूँ, क्वेश्चन ज़्यादा भी लेकर आ जाता हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, थोड़ी सी ज़्यादा मेहनत लगती है बस। अगर आप वीडियो को पूरा देख लेना तो मैं 2-2 घंटे की भी वीडियो बना सकता हूँ, इतनी कैपेबिलिटी मैं रखता हूँ। बट उसके लिए आपको भी अपना जो निर्णय है वो लेना पड़ेगा कि मैं पूरी वीडियो देखूँ। अगर आप वीडियो देखते हैं 10 मिनट की, तो मैं 1/2 घंटे की बना के क्या करूँगा, समझे ना आप इस चीज़ को। और इसकी PDF भी मैं आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट, सारी PDF फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा रहा हूँ, बस आप सपोर्ट करिएगा वीडियो को लाइक करके, शेयर करके। थैंक यू सो मच, वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो को देखने बहुत बहुत धन्यवाद।